तो बनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण और एलिगेशन, एलिगेशन एंड मिक्सचर का टॉपिक पढ़ें। इसमें एक सूत्र बताऊंगा, उसमें एक क्वेश्चन हल करके बताऊंगा आपको। चलिए, किस तरह से और भी इसके बनते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस टॉपिक से आते ही हैं एग्जाम में, पेपर में आते ही हैं इससे, इस टॉपिक से। इसका तो एक सूत्र है जो अक्सर इस्तेमाल होता है। एक है, पहली वस्तु, कोई वस्तु की संख्या दी, पहली वस्तु की संख्या रखना है, इधर रखना है दूसरी वस्तु की संख्या, वस्तु की क्या रखना है, संख्या, पहली वस्तु की संख्या दूसरी वस्तु की संख्या, इस ऐसे क्रॉस रखना है इसमें, यहाँ एक रहेगा, एक यहाँ औसत मूल रहेगा, क्या रहेगा, औसत संख्या रहेगा, औसत मूल्य जो रहेगा, जो मूल्य जो हम मानेंगे उसको, जो मतलब क्वेश्चन में इसमें दिया रहेगा। तो पहला वस्तु जैसे एक्स है, इधर वाई है, जो भी रहेगा आपका यहाँ आपका उसमें से, इसमें मान लो जेड दिया है ना, तो हमको इधर प्लस माइनस करके आंसर लाना है। जैसे एक्स माइनस जेड माइनस वाई रखें है ना, तो जेड माइनस वाई, अगर जो भी संख्या अगर बड़ा रहेगा हमको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन में इस तरह से आपका अनुपात में आएगा, क्या किस में बनेगा, अनुपात में आपका आंसर आएगा। जैसे एक्स अनुपात वाई, तो इस तरह से अनुपात के लिए ये वाला जो मिश्रण वाला है, इस तरह के हल होगा उसके लिए यू इस्तेमाल किया जाता है, औसत संख्या निकालने के लिए या औसत मूल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, औसत मूल अनुपात में मतलब याद करने के लिए जो भी है, अगर मान लो ये वाला एक्स जो है इससे बड़ा रहेगा, ये औसत संख्या या औसत मूल्य से जो दिया रहेगा उससे बड़ा होगा, तो क्या करना है, जो भी बड़ा होगा इन दोनों से उससे आपको माइनस करना है। यहाँ जैसे मान लो एक्स बड़ा है, तो जेड से माइनस जेड को उसमें घटाना है, इन दोनों के बीच में अनुपात, तो जो आएगा इधर का इसका रहेगा, इधर का इसका रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि इधर का ऐसे त्रिकोण नहीं, इधर का अगर दिया गया है पहली संख्या का तो इधर इसका रहेगा, और दूसरी वस्तु का इधर रहेगा, तो इसका जो अनुपात है इसमें आएगा ये आएगा, ये दोनों को मिल के आपका उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, लिखिए, समझिए। इसमें एक है, देखिए, 64 वस्तु है, 65 वस्तु को यह दिया गया है, 65 प्रति प्रति केजी, प्रति केजी क्या दिया गया है, दूध दिया गया है, क्या दिया गया, दूध दिया गया, रुपए है ना, ये रुपए, 65 रुपए प्रति केजी दूध, नहीं तो शक्कर रख लीजिए इसको, केजी में कहे कि दूध दूध का नहीं आता ना, कि केजी में किलो में आप लीटर में तो नापते हो, उसे 1 रुपया है, 65 दिया है, आप इसको 80 मान लीजिए, 80 रुपये प्रति केजी के मिश्रण में, के मिश्रण में, के मिश्रण में किस अनुपात से मिला है, किस अनुपात में क्या करना है, मिलाना है, क्या करना है, मिलाया जाए, मिलाया जाए, मिलाया जाए कि
मिलाया जाएगी प्राप्त जो संख्या रहेगा, प्राप्त मिश्रण है, मिश्रण का क्रम, और मिश्रण का जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य इसका 70 हो जाए, क्या हो जाए, 70 हो जाए। तो इस तरह से दे दिया रहे क्वेश्चन में, ये क्या बोल रहा है, पहला मिश्रण देखिए 65 रुपये प्रति केजी है, किलो शक्कर है, यहाँ पास कॉमा है, एक है 80 रुपये के मिश्रण है, में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का क्रय मूल्य 70 हो जाए। तो हम यही वाले सूत्र लगाना है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा पहली वस्तु फिर दूसरी वस्तु वैसे ही लेना है। 65 को लीजिए, यहाँ 65 लिखे, पहली वस्तु 65, 65 है ना, दूसरी वस्तु 65 रुपये, इसी है दूसरी वस्तु 80, तो इधर लिख दीजिए 80 रुपये, इधर बीच में वही डिजाइन बनाइए आप, ये इधर का इधर आएगा, इधर का ऐसे जाएगा, इधर का इधर माइनस होके इधर आएगा, इधर का माइनस होके यहाँ लिखा है ना। तो चलिए इसमें लिखते हैं, बीच में क्या है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है 70 रुपये, कितना रुपये, 70 रुपये। चलिए माइनस कीजिए, जो मतलब बड़ी संख्या चुपचाप उसमें से माइनस कर, अंतर निकालना इन दोनों का, तो यहाँ पर 10, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 15, सॉरी 5, कितना हो गया 5। तो चलिए इसमें निकालते हैं, अब ये है 10:5, तो कितना हो, ये कट गया, तो 1:2 आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या है आंसर। अगर एक का मान पूछ रहा है तो एक का मान 2 आ जाएगा, अगर दूसरे का मान पूछ रहा है तो आप एक लिख सकते हैं, दोनों का उत्तर, इसका ये है मान, इधर इधर इसका इधर मान है, तो ये देख लीजिए, इसका बता दूं मैं, मिश्रण इलिगेशन मिक्सचर का सूत्र में एक पहला सूत्र है यही है, इसमें क्वेश्चन हल करके बताया हूँ, इसी तरह से ये यहाँ सॉल्व होता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।